नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में की पूजा। विपक्षी नेताओं से गुजारिश है कि संसद को बिना किसी बाधा के चलने दे, बोले केसी त्यागी। तमिलनाडु के बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रांग को मायावती ने दी श्रद्धांजलि, साथ में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 5 नए केस, 3 गर्भवती महिलाओं के साथ कुल 11 मरीज ग्रसित। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र, मुआवजा बढ़ाने की मांग। मुंबई के वर्ली में एक कार चालक ने बाइक पर जा रहे दंपत्ति को मारी टक्कर, महिला की मौत। मुंबई के वर्ली इलाके में बीएमडब्ल्यू कार ने एक मछुआरे दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला कार की बोनट पर जा गिरी। कार ड्राइवर ने इस दर्दनाक घटना के बाद भी कार नहीं रोकी। बताया जा रहा है कि करीब 100 मीटर तक महिला को घसीटती रही। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के उपनेता राजेश शाह को हिरासत में लिया है। आरोपी मिहिर शाह और ड्राइवर फरार हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, कुलगाम में 5 और मोदरगम में 1 आतंकी ढेर, कुलगाम में सेना का 1 जवान शहीद। कुलगाम के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था। इस बीच मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए। गाजा में स्कूल पर इजराइल का अटैक, हमले में 16 फिलिस्तीनियों की मौत, 75 से ज्यादा घायल। सेना ने कहा स्कूल आतंकवादियों का अड्डा। गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों को पनाह देने वाले एक स्कूल को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। रूस में यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 की मौत, 43 से ज्यादा लोग घायल, 70 ग्लाइड बम दागे। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 की मौत, 43 से ज्यादा लोग घायल, 70 ग्लाइड बम दागे। रूस की न्यूज एजेंसी RIA के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले पाकिस्तान में दोबारा चुनाव हो, कहा देश को बचाने के लिए जरूरी भूख हड़ताल की दी धमकी। इमरान खान ने कहा कि पूरा देश जानता है कि 2024 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा धोखा है। अगर देश को बचाना है तो दोबारा चुनाव कराना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जेल में जुर्म कम नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। मुंबई में हिट एंड रन केस, बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत, हिरासत में शिवसेना नेता। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज, पहले मुकाबले में 13 रन से हार गई थी इंडिया। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हिसार पहुंचे जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कर्मचारियों को परेशान करने पर DEO सस्पेंड, बैठक के दौरान सुनी जन समस्याएं। हरियाणा में इनेलो बसपा 6 साल बाद फिर साथ, जल्द हो सकती है गठबंधन की घोषणा, मायावती से मिले अभय चौटाला। पलवल में टहरी गांव में हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर की थी फायरिंग, तेज गाड़ी पर टोकने को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा में 1,80,000 रिश्वत लेते 2 गिरफ्तार, ESI अस्पताल में नौकरी के लिए 2 लाख मांगे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप लगाकर पकड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने ESI में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाद में उसके एक साथी को और भी पकड़ा गया। हरियाणा के हिसार में चलते ऑयल टैंकर में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, तेल तक लपटे ना पहुंचने से टला बड़ा हादसा। हरियाणा में सैलरी ना देने पर नौकर ने की मालिक की हत्या, 6 दिन घर में पड़ी रही लाश, बदबू के कारण पुलिस ने ली तलाशी, नौकर गिरफ्तार। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस JJP आपस में भिड़े, हुड्डा बोले दुष्यंत BJP से मिले हुए हैं, दिग्विजय को बनाए कैंडिडेट। यह थी अब तक की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।